टुडे इज माय बर्थडे और आज के दिन मैं जो भी करूँगा ना आपको दिखाऊँगा। और मास्क जरूर लगा के रखना यार, और मैं भी बट मास्क आपको ऐसे नहीं ऐसे लगाना है फुल साइज में। तो आज के दिन मैं बहुत सारी मस्तियाँ करने वाला हूँ, तो मैं आपको दिखाऊँगा यार, मज़ा आएगा। तो आज के दिन मैं जो भी करूँगा आप लोगों को वीडियोज़ में दिखाऊँगा यार, तो जो भी फनी मस्ती सैड इमोशनल जो भी करूँगा ना फुल, तो आप लोगों को सब वीडियोज़ में दिखाऊँगा जिस भी लोकेशन में जाऊँ। तो अभी टाइम है, अभी मैं जॉब से छुट्टी हुई है ड्यूटी से, और नाइट शिफ्ट होती है मेरी आजकल, तो अब मैं ड्यूटी ख़त्म हो गई। अब मैं स्टार्ट करते प्लान का, सबसे पहले मैं गंगा रिवर जाके थोड़ा सा स्नान करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं पाप धुलेंगे, वैसे पाप तो किया नहीं है बट होता है ना थोड़ा धुलेंगे। तो कैसे मेरा छोटा सा रूम है, कमरा, यहाँ पे मेरे कपड़े हैं, ये बर्तन वगैरह और सिलेंडर वगैरह सब चीज़ें मैं यहाँ पे छुपा के रखा हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें इसके नीचे, और ये मेरे बेड हो गया, और ये मेरी ब्लूटूथ ये स्पीकर मैं मैंने छुपा के रखा है, ये स्पीकर इसकी साउंड काफ़ी अच्छी है, और ये मेरी लाइब्रेरी हो गई, यहाँ पे बुक्स वगैरह रखता हूँ मैं, पढ़ता रहता हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें, और ये माता रानी है जो मुझे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती, और ये मेरी छोटी सी खिड़की, यहाँ से कितनी गहराई दिखती है, वेरी हार्ड। तो ये मेरे शूज है, दो टाइप के शूज, एक ये एक ये एक ये, ये सारी चीज़ें मेरा है और मैं यहाँ रहता हूँ। पहले मेरे बस ये वाला स्पीकर था, अब ख़राब हो गया, बैग मेरा बहुत ही पुराना बैग है। तो गाइस हम गंगा नहाने जा रहे हैं, बस अंडरवियर एक ये, तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसे धुल के रख रहा हूँ ताकि ये सूख जाए जब तक मैं गंगा से नहा के, तो अभी से मैं धुलने जा रहा हूँ। गाइस मैं गंगा जी नहाने आ चुका हूँ, और मेरे पीछे देख सकते हो आप ड्राइंग क्या मस्त हो रही है, और आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, वो वीडियो जो है थोड़ा आइडियल से 18 प्लस वालों के लिए है, और सामने आपको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लेना जाके, वहाँ पे कितने सालों से बाबा लोग दाढ़ी बड़ी करके मतलब बाल कितने बड़े बड़े रखते हैं, और आज वो पूरा मतलब टकले हो रहे हैं अंडरग्राउंड से लेके वो सब कुछ मतलब जितने एयर से वो हटा रहे हैं। तो और मैं आपको दिखा दूँ नीचे गंगा किनारे, देखो कितनी गंदगी है, देखो आप ये सारी मतलब कितनी सारी चीज़ें गंदगी है। तो यार प्लीज़ अगर आप लोग या लोकल यात्री जो भी हैं इतनी गंदगी मत फैला करो, गंगा सफाई पर थोड़ा ध्यान दो। तो यार आज बर्थडे पर मैं आप गंगा जी नहाने वाला हूँ, काफ़ी दिनों बाद होली में एक बार नहाया था, अब उसके बाद गंगा नहाया नहीं, बट आज अपने बर्थडे के टाइम में नहाने आया, पानी बहुत ठंडे है तो क्लीन भी यही सब क्लीन। पूरा ना कहा मैं आज के दिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, बट यही प्रॉब्लम है मैं किसी का दिल दुखा नहीं पाता और मेरा ही दिल दुख जाता है। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई अपना या फिर हम जैसे क्या बोलते हैं उसे प्यार या फिर लगाव फ्रेंड अच्छे दोस्त विशेष करते हैं बिना उन्हें हम बताए कि यार आज मेरा बर्थडे। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारा बर्थडे बहुत दिनों तक याद रखते, तो स्पेशली मेरे कई दोस्तों ने 3 दिन पहले 2 दिन पहले विशेष कर दिया, और कई लोगों के सरप्राइज़ गिफ्ट वगैरह सभी थे मिल गए, बट एक मेरा करीबी दोस्त था उसने विश नहीं किया यार, और थोड़ा अजीब सा लग रहा है इस क्या बोलते हैं इसे हार्ट बीट को, थोड़ा सा सैड हूँ बट मैं उसे बोल नहीं सकता क्योंकि यार मैं किसी की लाइफ में घुसना नहीं चाहता बट लोग मेरी लाइफ में घुस जाते हैं, और मैं इसे समझाता हूँ बट यार आपको पता है मैं कितना पागल होता है, और मैं जैसे एक बार प्यार करता हूँ या फिर दोस्ती कर लेता हूँ और एक टाइप का लगाव तो मैं उसका पूरा साथ देता हूँ, तो शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं किसी को भी अपना समझ लेता हूँ। और यार मैं थोड़ा सा सैड हूँ क्योंकि मेरी फैमिली से भी किसी के विशेज नहीं आए अभी तक, किसी के भी नहीं आए, वही आ रहे हैं जो लोकल मुझे ज़्यादा क्या बोलते हैं वगैरह वगैरह, शायद मैं यार उस फ्रेंड से अपने बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ या फिर उससे बहुत ज़्यादा क्लोज रहने लगा हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार पर उसने अभी तक विश नहीं किया यार, इसलिए थोड़ा बहुत बुरा सा फील हो रहा है। मैं हर किसी का याद रखता हूँ बट कोई नहीं, होता कभी कभी इतना काम होता है आज लोगों को, आजकल के लोगों के पास वर्क होता है इतना ज़्यादा कि वो भूल जाते हैं, बट उसकी वजह से यार आज पता नहीं क्यों हार्ट बीट सैड हुआ। ओके फिर मैं नेक्स्ट टारगेट पे, आपको वो वाला पहाड़ दिख रहा है शायद नहीं दिख रहा है, वो सामने दिखा होगा ऊपर, तो मैं अभी उस पहाड़ पे जाने वाला हूँ थोड़ी देर में, और मैं वहाँ से आपको यहाँ का लोकेशन दिखाऊंगा, कितना मज़ा आने वाला, तो बाय गाइस। तो मैं रेडी हो चुका हूँ और अब मैं कपड़े पहन के नहा धो के गंगा जी
अब मैं जा रहा हूँ बिल्केश्वर महादेव, जो वहाँ का फेमस टेम्पल है, उनका दर्शन करने वाला है, तो चलते हैं। गौरीकुंड बहुत ही अच्छी जगह है, तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं यार, तो चलते हैं। आपको बता दूँ ये मंदिर चारों तरफ जंगलों के बीच में पड़ता है, देख रहे हो आप चारों तरफ जंगल है। यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है, देख रहे हो आप कितनी मस्त जगह है। गाइस बिल्केश्वर महादेव के दर्शन हो गए मेरे, आज हम जा रहे गौरीकुंड मंदिर, प्राचीन गौरीकुंड मंदिर। अभी अंदर का भी दर्शन किया, बहुत अच्छे आ रहा था। शायद गौरीकुंड बंद नहीं खुला है, ये गौरीकुंड का रास्ता है, तो मैं अब गौरीकुंड जा रहा हूँ। यहाँ पे जाने के लिए आपको बिल्केश्वर के रास्ते से गौरीकुंड के रास्ता वहाँ जाता है। बिल्केश्वर पहले मंदिर आपको आना पड़ेगा, और हर की पेड़ी या फिर रेलवे स्टेशन से काफ़ी पास में ही है, गौरीकुंड का रास्ता आपको मिलेगा। बट ये जंगलों के बीच में, और शाम में आना यहाँ अलाउ बिल्कुल नहीं मना है, क्योंकि ये जंगलों के बीच में यहाँ पे जानवर, हाथी, एलिफेंट, लायंस वगैरह कुछ भी यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसलिए आपकी जान को खतरा है, इसलिए यहाँ के जो नियम कानून है शाम को बंद हो जाता है। इसी रास्ते में आपको संकट मोचन प्राचीन हनुमान मंदिर देखने को मिलेगा, दक्षिणी मुख श्री हनुमान मंदिर मिलेगा। और आपको बता दें चमुंडा देवी का रास्ता भी यहीं से जाता है, और मनसा देवी के लिए ये चमुंडा देवी का जाता है, इससे पहले वो रास्ता उस रास्ते से जाता था, बट आजकल अब वो बंद हो चुका है, इसलिए चमुंडा देवी का रास्ता बंद हो चुका है। बट मैं जा चुका हूँ चमुंडा देवी, आप मेरे यूट्यूब वीडियोज में देख सकते हो। तो फिलहाल गौरीकुंड आ चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये गौरीकुंड के लिए रास्ता जा रहा है। गौरीकुंड मेरे पीछे, ये गौरीकुंड है पीछे मेरे, और ये बाकी और भी मंदिर है, और ये चमुंडा देवी की गौरीकुंड के पीछे से चमुंडा देवी के लिए जाता है। अगर आपको इसकी पूरी वीडियो गौरीकुंड के अंदर की देखनी है, तो आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। फिलहाल मैं अंदर का आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आज कुछ गलत काम नहीं करना। ये यहाँ की गौरीकुंड का जल है, बहुत पिया मैंने भी, मेरे हाथ गिले, देखो चाहो तो अभी मैंने पिया जल। अगर आप बिल्केश्वर कभी आते हो तो आपको बता दूँ यहाँ पर एक गुफा है, आप मेरी एक YouTube का वीडियो है जिसमें बिल्केश्वर महादेव के बारे में दिखा रखा है मैंने, इस वीडियो यहाँ पे आप थोड़ी देर बैठोगे रेस्ट करने के लिए, ऐसे बेंचेस बने हुए हैं, आपको बहुत अच्छा फील होगा यार, अभी और बैठना बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, अकेले रिलैक्स फील होगा। देख रहे हो आप कितना घना जंगल, और एक ठंडी हवा, मैं और एक ये हवा, प्राकृतिक दृश्य बहुत मज़ा आता है। तो ऑब्वियस लग रहे हैं फिलहाल मेरे माइंड में थोड़ा सा वायरस घुसा हुआ है, वो क्या बोलते हैं LOV वाला, इसलिए मैं यहाँ पर चैन से बैठ नहीं पाऊँगा। अगर आप परेशान हो घर से किसी LOV के चक्कर में, तो आप यहाँ आराम से बैठ सकते हो, मैं भी यहाँ रिलैक्स फील करने के लिए आया हूँ, बट मैं बैठूंगा नहीं, क्योंकि मुझे और भी जगह घूमने जाना है, और भी आज बहुत सारी मस्तियाँ करनी है। तो फिलहाल स्टार्टिंग तो भगवान से होती है, तो मैं अब नेक्स्ट जगह जाता हूँ। तो ओके, अभी मैंने एक लड़की को यहाँ पे देखा गौरीकुंड के पास में, उन्होंने उसकी मम्मा ने उससे रिक्वेस्ट किया छोटा सा कि मेरी लड़की की शादी हो जाए या फिर अच्छी जगह कुछ हो जाए, तो वहाँ के बाबा ने बोला कि 5 रविवार यहाँ पे आके गौरीकुंड पे स्नान करें। फिलहाल मुझे भगवान पे या किसी बात का भरोसा नहीं है, एक टाइप का भरोसा है या फिर मतलब यकीन है कि हाँ है, जैसे माँ बाप का सहारा तो वैसे इनका सहारा है। तो उन्होंने बोला कि 5 रुपये को नहाने से होता है, यार अगर ऐसा होता है तो मुझे बताओ यार, ताकि मैं, और भी लड़कियाँ बहुत हैं इस इंडिया में, अगर 5 रविवार नहाने से एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की मिलेगी, है कितना मज़ा आएगा ना। तो फिलहाल वो मेरे लिए नहीं था, उस लड़की के लिए था, अगर 5 रविवार नहाती है तो उसकी लड़की की शादी तय हो जाएगी, और उम्मीद करता हूँ उस लड़की की मनोकामना पूरी हो जाए, और 5 रविवार नहाए, और शायद मैं उसे आके देखूँ। तो अगले रविवार शायद मैं यहाँ पे वेट करूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं वेट करूँगा। शायद अगर ये बातें अच्छी होती है तो आप मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं भी ये ज्ञान आगे भी किसी को बांटूँ। बिल्केश्वर वाले रास्ते में आपको यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति के साथ में सॉरी हनुमान जी के दर्शन करने को मिल सकते हैं, अगर आप करना चाहो तो जा सकते हो, मैं भी बाहर से कर लेता हूँ। गणेश जी की मंदिर है ये सामने, नाथ जी है भोलेनाथ, इसी रूट पर है आपको। शॉपिंग कर ली है और यहाँ में खरीद रहा हूँ, सारी शॉपिंग करने वाला हूँ अपने बर्थडे पे। मैं अपने बर्थडे पे विशाल मेगा मार्ट में शॉपिंग किया, बहुत बहुत आज के लिए थक गया, पिज्ज़ा खाने आया बर्थडे पार्टी।